हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, जो अभी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या छाई हुई है उसी से संबंधित है। तो आपात स्थिति में पहुंच रही है वायु प्रदूषण की समस्या, इसके संपादक हैं सुनीता नारायण। ये लेखिया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से संबंध है। दिल्ली में हमें सांस भी नहीं ले सकते हैं, शहर की हवा प्रदूषक तत्वों की मात्रा हद से ज़्यादा विषाक्तता तक पहुँच चुकी है और यह जन स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति की तरह है। आधिकारिक रूप से हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है, यह स्वस्थ लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। बच्चों, उम्रदराज लोगों, मरीजों आदि को तो भूल ही जाइए। मैं यहाँ यह चर्चा करना चाहती हूँ कि हम बिना शोर शराबे के और राजनीति के ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता नियंत्रित रखी जा सके। अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ में आखिरकार क्या हुआ? 27 अक्टूबर 2019 को, यानी दीपावली की दोपहर तक, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन फिर भी वह सांस लेने लायक थी। मौसम में बदलाव आ रहा था, रातें ठंडी हो रही थी और हवा का बहना कम हो रहा था। ऐसे में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का सिलसिला शुरू हो रहा था। हालांकि दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र की थी। बहरहाल यह स्पष्ट है कि हालात आगे बिगड़ेंगे। यही कारण है कि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर नज़र रखना जरूरी है। हमें यह तय करना था कि पटाखे ना फोड़े जाएं, क्योंकि हवा पहले ही बहुत विषाक्त हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सका, बल्कि जो हुआ वह इस प्रकार है कि 27 अक्टूबर 2019 की शाम प्रदूषण के स्तर में नाटकीय इजाफा हुआ। मेरे सहयोगियों ने करीब 50 निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों से अनुमान लगाया कि पटाखे चलाने के कारण शाम 5 बजे से रात 1 बजे के बीच PM 2.5 से 10 गुना तक इजाफा हुआ। उनका कहना है कि इसने प्रदूषण नियंत्रण के तमाम जतन पर पानी फेर दिया। यहाँ स्पष्ट है कि यह दिवाली साफ स्वच्छ नहीं थी। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, दीपावली के बाद हवा की दिशा बदल गई और फसल अवशेष जलने के कारण ढेर सारा धुआं शहर के आसमान पर छा गया। कुल प्रदूषण में फसल अवशेष जलने से हुए प्रदूषण की हिस्सेदारी 30% है। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था तो अरब सागर की चक्रवाती गतिविधि और मानसून की वापसी ने हवा की गति समाप्त कर दी। वह पूरा प्रदूषण अब हवा में ठहर गया और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। हम मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रदूषण के जरिए हो तो कम कर सकते हैं। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, हम सांस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वायु प्रदूषण के विज्ञान को भलीभांति समझना होगा। एक गलत धारणा यह भी है कि प्रदूषण केवल ठंड के दिनों में बढ़ता है, क्योंकि उस समय फसल अवशेष जलाया जाता है। यह तथ्य कि किसान 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच फसल अवशेष जलाते हैं, हमें यह भी पता है कि इससे उत्पन्न धुआं इस क्षेत्र के प्रदूषण में बढ़ोतरी योगदान करता है। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रदूषण की प्रमुख वजह नहीं है। प्रदूषण के वास्तविक कारण साल भर हवा में एकत्रित होते रहते हैं। आम दिनों में हमें स्वच्छता नज़र आती है, क्योंकि हम हवा प्रदूषकों को समान रूप से वितरित करती है और वातावरण में हवा बहती रहती है। यानी प्रदूषण का स्रोत कभी ख़त्म नहीं होता, बस वह नज़र नहीं आता। ठंड के दिनों में यह माहौल बदल जाता है, क्योंकि हवा का बहना धीमा हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली में ठंड में प्रदूषण की कई घटनाएं नज़र आती हैं। दिसंबर और जनवरी में स्मॉग की समस्या ज़्यादा आती है, जबकि उस वक्त फसल नहीं जलाई जाती। इसकी वजह स्थानीय प्रदूषण और ख़राब मौसम है। यह अहम है कि हमें इसे पहचानना, क्योंकि बिना पूरा ध्यान बाहरी कारकों पर ही केंद्रित रहेगा। दूसरे राज्यों को दोष देना राजनीतिक दृष्टि से बेहतर हो सकता है, लेकिन प्रदूषण प्रबंधन के लिहाज से यह अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने अपने स्तंभ में पिछले महीने ही भी कहा था कि प्रदूषण से लड़ने के लिए काफ़ी कुछ किया है, इससे प्रदूषण में न केवल स्थिरता आई बल्कि कमी भी आई है।
परंतु अब ये हमें इस कदमों की तीव्रता बढ़ानी होगी। उदाहरण के लिए फसल जलाना कम करना होगा, स्थानीय स्तर पर कचरा प्लास्टिक जलाना रोकने के लिए कड़ाई करनी होगी, विनिर्माण तथा सड़क निर्माण आदि में धूल कम उत्पन्न हो, फैक्ट्रियों से प्रदूषण कम हो, ऐसे कदम उठाने होंगे। परंतु इसका वास्तविक और दीर्घकालिक उत्तर तो यही होगा कि हमें कोयले अन्य खराब ईंधनों से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ें, कार्यों की जगह बेहतर सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें। यह व्यवस्था सस्ती और सुलभ होने के साथ साथ आधुनिक और सुरक्षित भी होनी चाहिए। परंतु इस दिशा में हम कुछ खास प्रगति नहीं कर रहे। हमारी हर सांस विषाक्त है, हमारे बच्चों के अभी विकसित हो रहे फेफड़े को देखते हुए हालात ऐसे ही नहीं रहने दिए जा सकते। जाहिर कि हम अपने व्यापक पैमाने पर पेशकदमी करनी होगी। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि जुनून के साथ साथ जरूरी कदम उठाने में से बदलाव आवश्यक आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण एडिटोरियल। इसमें इन्हीं लेखिका या संपादक के शब्द